एक डॉल्फिन ने सुइसाइड कर लिया। शायद ये सुनके आपको अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। शायद आप नहीं जानते कि डॉल्फिन एक मासूम और समझदार जीव है। ये हंसते हैं और इनका भी अपना फीलिंग्स होता है। तो साल 1965 में नासा पीटर नाम का एक मेल डॉल्फिन को ट्रेनिंग देने के लिए मार्गारेट नाम का एक फीमेल ट्रेनर को बुलाया और वो उसे हर रोज ट्रेनिंग देने लगा। लेकिन इसके चलते ट्रेनर के साथ वो डॉल्फिन मेंटली इतना अटैच हो गया कि जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नासा इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, तब डॉल्फिन अपनी ट्रेनर को ना देख पाने की वजह से खाना पीना सब छोड़ दिया और मुंह से आवाज निकाल के अपनी ट्रेनर को बुलाता रहा। लेकिन जब दिन बीतता गया और वो ट्रेनर वापस नहीं आया, तब उसने सुइसाइड कर लिया। वो पूल के नीचे पानी के अंदर चला गया और सांस लेने के लिए बाहर आया ही नहीं। और डॉल्फिन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, इसी की वजह से उसकी मौत हो गया।